गौर माता ने जब सुदामा जी से कहा और कन्हैया से, बेटा गुरपतली बोली बेटा तू बेटा ले कपात इधर आओ, घर में ईगन को ना बुलाई कछु बेटा द्वारा पतला घर में ईंगन को ना बुलाई कछु बेटा द्वारा पतला और क्या तोड़े में चला दे माता भूपी पल लाए दवाई ओ नाई श्याम को चला दे खुद खुदई चवे हरताई एक से ग्यारह रुपए और एक पेंट कमीज भोला भैया बेटी वाले भेंट करते हैं भगवान भगवती सदैव रक्षा करें। सुदामा को दो मुट्ठी तीन मुट्ठी चना था वो दे दिए। सुदामा ने बगल में दबा ली, भगवान कृष्ण को नहीं बताया। वो बनी में जाकर के लकड़ी तोड़ी और लकड़ी तोड़ तोड़ करके भगवान कन्हैया तोड़ रहे और सुदामा भीन भीन करके गठरी बनाई और जैसी भूख लगी या चगई चमा चना चबने लगा। मेरी माता बहनों आज बड़ा विचार करते हैं, थोड़े से चना और झट सुदामा ने खुद ही चब लिया। आगे चना गुरु मांत दिए ते लिए तुम चावे हमें नहीं दीने। भैया ठेकेदार भैया एक मिनट, आज बड़ा ध्यान करते हैं। भगवान की बड़ी असीम कृपा है। भगवान श्याम सुंदर और लकड़ी तोड़ करके चले आए, लेके सुदामा ने कपट कर लिया। गुर से कपट मित्र से चोरी ओके होई निर्धन के होई चोरी। बताया है क्या कह रहा था? चोरी होगा बनाए सेकंड हैंड खोपड़ी का है तो क्या कहता है? के हो निर्धन के हो कोड़ी ओ कह रहा है छोरी। अच्छा हैंड फ्री है वो दिमाग में हो। तू जात के तो है तू पे लड़का ही लड़का है ना ताते और भाई बराबर रहते हो। लेकिन आज के जमाने में जिस पे अगर लड़का लड़का हो तो वो क्या कहता है? हम बहुत भाग्यशाली हैं। अरे राम राम, जिसके आंगन में मंडप नहीं गड़ा कन्या दान नहीं हुए जिस हाथों से क्या बार बार तुम्हें जन्म मिलेगा मनुष्य का? तुम्हारा नसीब बहुत कच्चा है। ज्यादा नहीं तो एक कन्या तो अवश्य दे जो दूसरे कुल में भी जाकर के संस की बेटी उजाला करे। शास्त्रों का लेख है एक कन्या की शादी कर दी समझ लो एक आपने यज्ञ कर दी। लेव मैया
आज भगवत प्रेमियों, एक से एक रुपया ये माता जी भेंट करती हैं ठाकुर जी पर, परमात्मा सुख शांति प्रदान करें। एक तो कन्या जरूर होनी चाहिए, और कन्या का भाव माता पिता के प्रतियोग ज्यादा रहता है। मैंने ये जांच की है, सत्य वचन है, कन्या के प्रतियोग भाव बहुत रहता है। आज भगवत प्रेमी, जय हो मेरी मैया, प्रसाद ले जाओ, मिल गया। अच्छा आज मेरी बहने बड़े बड़े खुशी से गुप्त दान व्यास गति पर भेंट कर रही हैं। इतने दिन हमारे इस क्षेत्र में प्रकाश किया, इतने दिन हमारे क्षेत्र में प्रकाश किया, आज बार बार गुप्त दान भेंट कर रही हैं कि प्रभु ठाकुर जी ऐसी असीम कृपा करें जो फिर हमारे इस पावन नगरी में आए। भगवान श्याम सुंदर से, भगवान श्याम सुंदर को आज बार बार उन्होंने नमन करते हुए प्रार्थना की। इतनी देर लगती है पांच छुए में, अरे केवल तीन घंटा तुम क्या करोगे, नेक थोड़ी से भाव से ही समझ पड़ जाओ कल्याण है। जब माता जी के पास में आए, उन्होंने कहा मैया हमें भूख लग रही है, तो माता जी ने हाल फूल खोद नहीं बेटा, गुर माता हमारे मिश्री गड़ी वाले भी शिष्य बैठे हैं जो पुराना शिवनगर, गुर माता का प्यार बहुत होता है, गुरु का भी होता है, गुरु के लिए शिष्य बहुत प्यार रहा है। अरे ज्यादा नहीं, साल में एक दिन आता है, आप तो बिल्कुल यहीं पास के हो, कितनी कितनी दूर से जो एक एक रात एक एक दिन चलते हुए हो जाता है, तब हमारे और इसी जंग से चूल्हा पे आके पिल्लों की संभेते हैं, फोन पे बात कराते हैं, यहीं से ऑटो करके घर पहुंचते हैं। मात्र 25 मिनट में यहाँ से हमारे दरवाजे पहुंच जाओगे, 25 मिनट समझ लो, और जाते काफी। अब देखना फोन पे फोन आ रहे, गुरुजी कौन से दिन आए, मैं 3 जून को गुरु पूजा है, अभी विशाल रूप से हमने तैयारी नहीं की है, पर जो शिष्य आ जाते हैं वो ही अपने। आज भगवत प्रेमियों, गुरु माता से जो कहा मैया भूख लग रही है हमें बड़ी जोर से, तो गुरु माता ने कहा बेटा 3 मुट्ठी चना थे मैं सुदामा को दे दिए, मैया हमें नहीं दिए, आगे गुर आगे चना गुर मात दिए ते लिए, तुम चावे हमें नहीं दीने, हमें नहीं दिए। मैया कहने लगी सुदामा तेने मित्र के साथ इतना विश्वासघात किया है, मित्रता होनी चाहिए और तुमने इसका भोग भोगना पड़ेगा। गुर से कपट मित्र से चोरी, के हो निर्धन के हो कोई, के तो गरीबी आएगी के कोट फूट जाएगा, ये निश्चित बात है। गुरु अगर मित्र के साथ में भीषम साफ लिख दिया गोस्वामी ने, तुलसीदास ने रामचरितमानस में, आज इतना करने के बाद विद्या निपुण करके अब कहने लगे मैया अब और गुरुजी से हमें गुरु मंत्र दो, और आप गुरु मंत्र दो और आप बताओ गुरु दीक्षा में हम तुम्हें क्या दें। एकदम गुरुजी और गुरु माता रो, बेटा ये बात मत कहो, यद मैंने मांगा
तो तुम नहीं दे पाओगे, मुझे विश्वास है तुम नहीं दे पाओगे। पता नहीं गुरुमाते कि ये कौन है, पार ब्रह्म परमात्मा 16 कला अवतारी कन्हैया जी है, बाल्य अवस्था है, गंजी चांद है, सर पे चोटी है, पीले वस्त्र पहने हैं, अचला पहरे है, भगवान कन्हैया खड़े। मैया तुम ऐसे कैसे कह रही हो कि हम नहीं दे पाएंगे, तुम मांग लो बेटा, मुझ पे मत कबाओ, तुम नहीं दे पाओगे। देखना क्या मांगा है, एकदम रो गई, फूट फूट करके गुरु माता और गुरु रो गए। बेटा मेरा एक ही पुत्र था पूर्णतस, पूर्णतस मेरा एक ही पुत्र था, वो एक बार समुद्र में स्नान करने गया, समुद्र की पार पर बैठ करके स्नान कर रहा था, बेरी ऐसी आई समुद्र की लहर मेरे बेटा को अंदर ले गई। जिसका एक ही पुत्र हो और वो भी पुत्र चला जाए तो माता पिता फिर कहते रहेंगे किसके सारे रहेंगे। मैया एक दम रो रो करके आंसू की धार बह गई। संदीपन गुरुजी महाराज जो उज्जैन नगरी में और गुरु माता के, बेटा अगर तुम देना चाहते हो तो मेरे उसी पुत्र को जिंदा करके मुझे वापस दे दो। आहा, जो इतनी बात सुनी तीनों लोग हिल गए। अब नहीं जवाब निकला प्रेसर के, बलराम भी खड़े। मैया कहने लगी अब बोलते क्यों नहीं हो, अभी तो कह रहे मांग लो, अब क्यों नहीं बोल रहे हो, बताओ ना। मुझे पता था तुम नहीं दे पाओगे, नहीं दे पाओगे। मां एकदम रो रोने लगी, बेटा अब तुम कछु तो कहो, चुप क्यों रह गए। सो एकदम भगवान कन्हैया को क्रोध आया, मां तीनों लोकों में भी होगा तुम्हारा बेटा, वहां से मैं ढूंढ करके लाऊंगा। भगवान कृष्ण चले और जा करके समुद्र के किनारे पर क्या एकदम माया फैलाई, समुद्र एकदम खड़े होकर के प्रार्थना करने लगा। हमारे बड़े अहो भाग्य है, पार ब्रह्म परमात्मा जो आज आपके हमें दर्शन हुए, एकदम हवा थी चलने लगी, पानी खोल गया, समुद्र कहने लगा महाराज हम आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम करते हैं। भगवान कृष्ण कहने लगे समुद्र मेरे गुरु उज्जैन नगरी में रहते हैं, संदीपन महाराज उनका पुत्र था पुनर्तस, और तुम्हारे यहाँ पर स्नान करने आया वो जल में डूब गया, मुझे उस पुत्र को ला करके दो, न समझ लो खेल नहीं है। एकदम समुद्र घबरा गया, कहने लगा मेरा दोष नहीं है, जो जल में डूब करके मरता है उसे शंखचूड़ नाम का राक्षस खा जाता है, मेरा तो वैसे ही नाम बदनाम होता है, बड़देव का वैसे ही नाम बदनाम होता है, शंखचूड़ के पास में होगा। भगवान कहने लगे एक एक हड्डी ढूंढ करके लाओ मेरे पास, तो उसी के पेट में होगी हड्डी। भगवान बलराम दोनों के दोनों समुद्र में अंदर चले गए। बताया कि शंखचूड़ एक शंख में होगा, शंख विशाल है, वो शंख में बैठा है। भगवान ने जो ऐसा बाण मारा एकदम उसमें से निकल करके चिंगाड़ी भरता हुआ शंखचूड़ आया,
कौन है जिसने मुझे सोते हुए को जगाया? भगवान ने कहा, दोस्त तूने मेरे गुरु पुत्र को भक्षण किया है, अब तुझे छोड़ूंगा नहीं, तड़पा तड़पा के मारूंगा। जो भगवान ने बाण मारा, संख चूड़ बंद कर दिया, पेट फाड़ा, लेकिन उसके पेट में कोई हड्डी नहीं। लेकिन उसी समय संगचूड़ कह गया, तुम्हारा पुनर्तत्व तो केवल धर्मराज की सभा में मिलेगा, यह नहीं। भगवान श्याम सुंदर बलराम दोनों धर्मराज की सभा में जब पहुंचे, धर्मराज बैठे हैं, यम के दूत भैंसाओं पर बैठे हुए खड़े हैं, विशाल रूप वाले भगवान श्याम सुंदर जब पहुंचे अहम ब्रह्मास्मि में, जो इतना कहा है, एकदम सिंहासन हिलने लगा, ये मालूम पड़ा कि नीचे गिरे, कभी आगे कभी पीछे, कहने लगे कौन है? शायद कोई जीवित व्यक्ति आ गया यहाँ पर, जो मृतक प्राण आते थे, क्या हो गया? धर्मराज कौन है ये, क्या हो गया? जो उन्होंने खोज की, पार ब्रह्म परमात्मा ने धर्मराज से कहा, हम आए हैं। अरे आप कौन, आप कैसे आ सकते हो? यम के दूत कहने लगे, आप कैसे आ सकते हो यहाँ? तो मृतक प्राणी आते हैं, जीवित प्राणी नहीं आता है, तुम कैसे आ गए? यम के दूत कहने लगे, हम ही लेके आते मृतक प्राणों को, कैसे आ गए? जाओ जाओ, भगवान ने अपना चतुर्जी रूप से स्नाग वाला जो दिखाया दोनों ने, सोई धर्मराज घबरा गए, बचाओ बचाओ, क्या हो गया? छक्का छूट गए, पूरी यमपुरी घबरा गई, जम थे, कांपने लगे। भगवान ने कहा, मेरे गुरु का पुत्र था पुनर्तस, मुझे जल्दी उसके प्राण वापस करके दो उस पुत्र को। धर्मराज कहने लगे, शरीर तो वापस नहीं कर सकता, शरीर तो वहां पर विनाश हो गया, प्राण आए थे, उन प्राण को वापस कर सकता हूँ? भगवान ने कहा, प्राण ही वापस करो, शरीर तो मैं कर लूंगा। जो उन्होंने आकर के दिए बड़े प्रेम के साथ, जो हाथ पर रखे, हाथ पर प्राण रखते ही भगवान श्याम सुंदर ने क्षण मात्र में अहम ब्रह्मास्मि सोई पुनर्तस्वाई रूप में हो गया। बड़ो वृंदावन में हरि लाल की जय हो। आज उस पुनर्तस को लेके आ रहे, हे प्रभु, कितना बड़ा कला दिखाई तुमने। जो पुनर्तस को लेकर के आए और गुरुकुल में पहुंचे, सोई हल्ला बच गया, गुरुमाता गुरुमाता, भैया आ गया, पुनर्तस आ गया। मैया बोली, कहां? उज्जैन नगरी में संधि पर महाराज। और गुरुमाता एकदम घबरा गई, कहां कहां मेरा बेटा? और एकदम पुनर्तस आया, जेठ भर करके माँ फपक फपक करके रो गई, हे बेटा, तुम्हारे बिन मैंने कैसे जीवन व्यतीत किया? हे पुत्र, मुझे पता है मैंने कैसे कैसे जीवन व्यतीत किया। डलने, अरे कन्हैया क्रेत, डलने में तुम्हारी कितनी बड़ाई करूं? मेरा सदा सदा के लिए तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद है, जित पर तुम्हारी दृष्टि जाएगी उसका कल्याण ही कल्याण होगा। बेटा, तुमने मेरा एकदम सोता हुआ और भाग्य जगा दिया। गुरु माता आज बेटा की जेट भर कर रो रही, बेटा क्या करूं? और गुरुजी आज उस पुत्र की जेट भर करके फपक फपक करके रोते, बारे परमात्मा
भगवान ने गुरु दीक्षा में मृतक पुत्र को ला करके वापस दिया। धन्य प्रभु, बताइए भगवान श्याम सुंदर ने क्या क्या कला दिखाई थी। ऐसी किसी के पास कला नहीं थी। जो मृतक पुत्र जान कम मर गया था उसे सजीव कर करके परमात्मा ने दिया। मेरी सीता अनुसुईया जैसी बहनों, आज बड़ा विचार करते हैं, गुरु माता के और गुरु जी के पैर पूज करके बलराम कृष्ण दोनों चलते सुदामा अपनी नगरी को जा रहे, और चलते जा रहे गुरु माता देख रही है फटी फटी आंखों से, कितना प्यार था। आज उसी गुरुकुल में इस तन की बेटी, मैं नहीं जानता था कि हमारे अंश के द्वारा ऐसी पुत्री पैदा होगी, ऐसी बेटी। बचपन से ही भागवत रखी रहती थी पुस्तक और पढ़ती रहती, कन्हैया जी के राखी बांधती थी, जो कि भाई नहीं था, फिर भाई दिया तो कन्हैया ही ने दिया, राखी बांधती दौज करती है, वो भगवान कन्हैया ने वृंदावन वृंदावन चिल्लाती। आज उसे काफी दिन हो गए वृंदावन में बांधती हो गई। वो भगवान श्याम सुंदर ने ऐसा ही परिवार दिया कि आज वो सपोर्ट कर रहे हैं, जाते आते हर खर्च कर रहे हैं और वृंदावन पढ़ रहे। अब तीन महीना का क्या हमको और क्या ससुराल वालों को बड़ी प्यास लगी है। ढाई तीन महीना में पूर्ण उनकी पढ़ाई होगी, जो धूमधाम से पचासियों गाड़ियों के साथ गुरुकुल से विदाई होगी बेटी की, तब उसकी कथाएं आगे के लिए चलेगी। भेंट द्वारका, कर्नाटक, उड़ीसा, बिहार, मद्रास, धन्य बाकी बिहारी। अब तो हम तो हम ही है, लेकिन हमसे तो बहुत अधिक आगे। कल भोजन कर रहे थे तुम्हारे घर, जब ही फोन आया था भैया ने बात की तो के ताऊ जी नमस्ते, के बेटा तेरे पापा ने बड़ा धोखा किया। मैंने कहा एक दिन तो वंदना आ जाए। बोली ताऊ जी इस समय गुरु जी कथा पढ़वे गए मध्य प्रदेश में, पूरा गुरुकुल मेरे हाथ है, सीनियर है। तब इन्होंने कहा कि मार्च में कथा होगी या ना आए, कि ताऊ जी मैं भरपूर आपकी सेवा में रहूंगी, तो ध्यान कर लो मार्च में हम ही नहीं हमारी बेटी इस गद्दी पर आकर के और वो कथा होगी कि तुम लावारे तमाशा देखेंगे बड़ा फिंड में, वो ही लड़की आएगी वंदना किशोरी, और वही की जहां की होगी देखना। श्री राधे राधे आना शुरू हो गई। भगवान कन्हैया वहां पर पहुंच गए। एक भगवान का कीर्तन बोलो आगे के लिए, फिर हम कथा और पढ़ाएंगे। अब बताइए हमारे ये संदीपन के यहाँ जो शिक्षा ग्रहण की, वो गुरु माता रो रो करके पुत्र मांगा, वो भगवान कन्हैया ने पुत्र दिया। आपको कितनी खुशी हुई जो गुरु माता का पुत्र मरा हुआ भगवान श्याम सुंदर ने सजीव किया। एक बार उस पुत्र के लिए तालियां बजा दो जोरदार। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कमीज पेंट पेंट करते हैं, हाँ आसन लग गया। सुदामा जी का, कन्हैया जी का यहीं पर सेन करेंगे देखना। और मेरी माता बहने, अब सुदामा जी पे गरीबी आ गई, और इतनी गरीबी आ गई कि दत्तर की ठोकर खाने। अरे चलो देखे गुरु दरबार दुनिया मतलब
हम भजन करन को आए थे, हम भजन करन को आए थे, हम भजन करन को आए थे, हम भजन करन को तू मेरी मेरी क्यों कहता तू मेरी मेरी क्यों कहता तू मेरी मेरी जल के होई राखती देरी जल के होई राखती देरी जल के होई राखती देरी अब धुआं उड़े अथमान दुनिया